कल तक उत्तराखंड के यूसीसी की पूरे देश में चर्चा थी और आज उत्तराखंड की हिंसा की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है। दिल्ली से करीब 270 किलोमीटर दूर स्थित उत्तराखंड के हल्द्वानी से अवैध मदरसे पर कार्रवाई के दौरान नाराज भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर जमकर पथराव किया और आगजनी की है। सबसे पहले वहां की 5 बड़ी अपडेट समाप्त बता दें, नाराज भीड़ के हमले में करीब 100 पुलिस वाले घायल हो गए जो अवैध मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद थे। ये 5 अपडेट हम आपको बता दें, प्रशासन पर वहां स्थानीय लोगों ने हमला किया जिसमें 100 पुलिस वाले घायल हुए हैं। अवैध मदरसा तोड़ने के लिए जो पहुंची थी टीम उनके ऊपर पथराव किया गया। एसडीएम और नगर निगम के कई कर्मचारी भी इस हमले में घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने गाड़ियों को तोड़ा, उनमें आग लगाई, नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला बोला, पुलिसकर्मियों पर हमला बोला और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। हिंसाग्रस्त इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्कूल कॉलेज को फिलहाल कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है, सीमावर्ती इलाकों को सील कर दिया गया है। कल उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था और उसके बाद आज हल्द्वानी में अवैध मदरसे को तोड़ने के दौरान हिंसा भड़क गई। फिलहाल प्रशासन मुस्तैद है और आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। जिन्होंने आगजनी की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दहकती हुई आग, छतों से पत्थरों की बारिश, लहूलुहान पुलिसकर्मी, तस्वीरें हल्द्वानी के बनभूलपुरा की हैं, जहां अवैध मदरसे पर कार्रवाई के विरोध में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। न सिर्फ हंगामा किया बल्कि पुलिस और नगर निगम की टीम पर पत्थरबाजी भी की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर लाठी चार्ज किया तो उपद्रवियों ने आगजनी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की मोटरसाइकिल, गाड़ियां और बस फूंक दी है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। नगर आयुक्त के मुताबिक मलिक के बगीचे में बना मदरसा और नमाज वाली जगह पूरी तरह अवैध हैं, जिसके पास 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पहले ही कब्जा ले लिया था। इसके बाद अवैध मदरसा और नमाज स्थल को सील कर दिया गया। कथित मदरसे को हटाने के लिए नगर निगम पहले ही नोटिस दे चुका था। नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। इसको देखकर वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई और टीम पर हमला बोल दिया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल हो गए। पत्थरबाजी में जेसीबी का शीशा भी टूट गया। जब भारी विरोध के बावजूद टीम ने अवैध निर्माण को ढहा दिया तो हालात और बिगड़ गए, जिसको काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले भी दागे। पत्थरबाजी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया तो फौरन ही सरकार ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया और एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएम धामी ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालात को काबू करने के लिए जिला प्रशासन ने बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। साथ ही कल हल्द्वानी में 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। ना कि जैसे ही सूचना मिली वहां तुरंत जो हमारे DIG कुमाऊं है वो भी मौके पे पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा MHA से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल MHA द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। इस घटना के बाद सवाल उठता है कि अतिक्रमण को हटाना गुनाह है क्या? पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा किया और जब खाली करने का नंबर आया तो पत्थर बरसा दिए, ये कहां का इंसाफ है?
खैर शासन और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले समझना चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, वहां किस तरह के हालात हैं और प्रशासन की ओर से क्या कदम और उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल चंदन, इस समय के ताजा हालात अगर आपको बताऊं तो बनभूलपुरा थाने में पुलिस ने दोबारा कब्जा अपने हाथ में ले लिया है। ये वही थाना है जिसको आगजनी में आग लगा दी गई थी, जिसमें तमाम गाड़ियां खड़ी थी उनको फूंक दिया गया था, लेकिन अब भारी फोर्स वहां पर मौजूद है और थाने को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फ्लैग मार्च की इस पूरे क्षेत्र में तैयारी शुरू हो चुकी है और लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए पुलिस बता रही है कि आप अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए और अगर कोई अराजक तत्व दिखेगा तो गोली मार दी जाएगी और मेडिकल कंडीशन होंगी तो वही लोग घर से बाहर आ सकते हैं अगर जिनको अस्पताल या डॉक्टर की ज़रूरत हो। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति बनभूलपुरा क्षेत्र में दिखाई देगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी आ रही हैं, सभी थानों से फोर्स बुलाया गया है, बड़े पैमाने पर पुलिस के अधिकारी भी इस समय हल्द्वानी में मौजूद हैं, उधम सिंह नगर से भी बड़े पैमाने पर फोर्स बुलाया गया है और थोड़ी देर में फ्लैग मार्च तमाम गलियों में बनभूलपुरा की तमाम एक नंबर से लेकर 17 नंबर की जितनी भी लाइन नंबर है उन सब में ये फ्लैग मार्च होगा। और सबसे बड़ी बात, अब रात में वो दौर चलेगा जिसमें गिरफ्तारियां होंगी, जिन लोगों ने ये घटना की है, जिसको अंजाम दिया, ऐसे अराजक तत्वों की गिरफ्तारी होगी और मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि इन्हीं लोगों से भरपाई भी करेंगे और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा, इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें सुरेंद्र, इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है जिस तरह से हिंसा की गई है, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां मौके पर पहुंच गई हैं, पीएससी की 2 कंपनियां भी हल्द्वानी पहुंच चुकी है, पुलिस की सहायता के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जा रही है। अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां और पीएससी की 2 कंपनियां हल्द्वानी पहुंची हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए, सुरेंद्र प्रशासन की ओर से कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है, पीएससी भी बुला ली गई है, अर्धसैनिक बल भी बुला लिए गए हैं। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कहा है हमारा सबसे पहले ये इस समय हमारा पूरा जो फोकस है वो घायलों की मदद करना है, कोई लोग फंसे हैं उनको निकालना है और उसके बाद कैसे इस क्षेत्र में शांति बहाल हो उस पर ध्यान दिया जा रहा है और फिर घटना के कारणों की जांच भी होगी कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, इतना बड़ा षड्यंत्र यह है जिसमें पहले से लोग तैयारी कर रहे थे, इसकी भनक क्यों नहीं लगी। और दूसरी बड़ी बात, ये लोग जो अतिक्रमण का, जो अवैध कब्जे का समर्थन कर रहे हैं, इनको क्यों प्रशासन की ये कार्रवाई इनको पसंद नहीं आई, जिस तरीके से सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए जब प्रशासन की टीम आती है और ये इस तरीके से पत्थरबाजी उसमें करते हैं। 100 के करीब पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जो अलग अलग जगह पे इलाज करा रहे हैं, जिनका अलग अलग जगह इलाज चल रहा है, कई गाड़ियां फूकी गई है, कई मीडिया कर्मियों की भी गाड़ियां जलाई गई है, कई लोग घायल हैं और उन्हीं सबको पहले मदद देने की प्रशासन। सुरेंद्र आपने बताया पत्थरबाजी जो की गई है उसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें पत्थरबाजी करते हुए लोग साफ साफ नजर आ रहे हैं और इसमें जो उपद्रवी हैं इसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल दिख रही हैं, घरों की छत से पत्थरबाजी की जा रही है, कतार से लोग खड़े हैं और वहां से पत्थरबाजी की जा रही है। सुरेंद्र अगर बात की जाए वीडियो जो सबूत सामने आए हैं, क्या इनको भी आधार बना करके गिरफ्तारियां की जा सकती है, क्योंकि साफ साफ देखा जा सकता है कौन पत्थरबाजी में शामिल थे? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो आईबी की यूनिट है, वो तमाम टीमें अब हर जगह काम कर रही हैं और ये वीडियोस के जरिए देख रही हैं कि इनमें कौन कौन लोग हैं, कौन से ऐसे वांछित लोग हैं, क्या कोई पुराने हिस्ट्री सीटर हैं, क्या उस जगह के प्रमुख लोग हैं, क्या पॉलिटिकल लोग हैं, इन सबको रात भर इसी तरीके से इनकी शिनाख्त की जाएगी और उसके बाद इन सब की अरेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि कर्फ्यू घोषित किया जा चुका है, कल स्कूल बंद रहेंगे पूरे हल्द्वानी ब्लॉक के, पूरे जो पूरा शहर है उसका बाजार बंद रहेगा और कर्फ्यू सबसे बड़ी बात है सिर्फ बनभूलपुरा नहीं पूरे हल्द्वानी शहर के लिए है, क्योंकि बनभूलपुरा का जो पूरा क्षेत्र है
वो मुख्य बाजार को जोड़ता हुआ है। ठीक है चंदन, क्योंकि हल्द्वानी मेरा गृह क्षेत्र है तो मैं वहाँ की टोपोग्राफी को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। आप इस खबर पर नजर बनाए रखे सुरेंद्र, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बनभूलपुरा इलाके में हल्द्वानी के किस तरह से पथराव हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की गई है, और ये सब कुछ अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने को लेकर के हुआ है।